हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में यह देखा था कि आंतर्गणन एवं बाह्य गणन क्या है। सांख्यिकी विश्लेषण करते समय कई बार और कई स्थितियां ऐसी हो जाती है जब हमको जो श्रेणी दी हुई होती है उस श्रेणी के अंदर कुछ मूल्य मिसिंग होते हैं, यानी समंक श्रेणी पूर्ण नहीं होती है। उसके कुछ मूल्य कई कारणों से अधूरे रह जाते हैं या मिसिंग होते हैं। समंकों से सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि समंक माला में अज्ञात मूल्यों के कारण बीच बीच में किसी प्रकार का कोई स्थान रिक्त ना रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि उन रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए जिससे कि समंकों से सही निर्वचन किया जा सके। इसी प्रकार कभी कभी उपलब्ध समंकों के आधार पर भावी समंकों के पूर्वानुमान भी लगाए जा सकते हैं। अतः उपलब्ध समंकों के आधार पर श्रेणी के बीच के अज्ञात मूल्यों या भावी मूल्यों के सांख्यिकीय अनुमान लगाने के लिए आंतर्गणन एवं बाह्य गणन की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। आंतर्गणन एवं बाह्य गणन का महत्व बहुत अधिक है। इन क्रियाओं की सहायता से अर्थशास्त्री मूल्य उत्पादन राष्ट्रीय आय इत्यादि के लिए भावी अनुमान लगाते हैं। वार्षिक बजट बनाने में भी इन क्रियाओं द्वारा आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। इसी प्रकार से व्यापारी, उद्योग करने वाले व्यक्ति, नियोजन विशेषज्ञ, राजनेता, शासक, समाज सुधारक या अन्य अनुसंधानकर्ता आंतर्गणन व बाह्य गणन की विधियों के द्वारा अनेक प्रकार के आवश्यक एवं उपयोगी निर्णय लेते हैं। आज की इस लेक्चर में हम आंतर्गणन एवं बाह्य गणन की विभिन्न रीतियों के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का मुख्य हमारा उद्देश्य केवल इन रीतियों के बारे में थ्योरेटिकल जानकारी प्राप्त करना है। आगे के लेक्चर्स में हम इनके बारे में न्यूमेरिकल बात को समझेंगे। अंतर्गणन या बाह्य गणन के लिए प्रमुख रूप से जो रीतियां काम में आती है वो दो प्रकार की होती है, बिंदु रेखीय रीतियां एवं रीतियां। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिंदु रेखीय रीतियों के बारे में या बिंदु रेखीय रीति के बारे में। बिंदु रेखीय रीति अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की सबसे सरल रीति है। इस रीति के अनुसार स्वतंत्र चर मूल्य जैसे समय बिंदु या वर्ग सीमाएं यानी क्लास लिमिट्स को हॉरिजेंटल स्केल या एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, तथा आश्रित चर मूल्य जैसे समय से संबंधित जो भी मूल्य है या जो फ्रीक्वेंसीज हैं को वर्टिकल स्केल पर या वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। यानी जो हमको श्रेणी दी हुई होती है उसमें दो तरह के मूल्य हैं, स्वतंत्र मूल्य जिसको हम कहते हैं एक्स, और आश्रित मूल्य जो कि एक्स पर आधारित होते हैं वो कहलाते हैं वाई। उदाहरण के रूप में हम ये बात करें जैसे कि वर्ष 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971 इनकी हमको जनसंख्या दी हुई है, तो 1931, 41, 51 एक्स चर कहलाएंगे यानी स्वतंत्र चर कहलाएंगे, और 1931, 1941, 1951 इनकी जो भी जनसंख्या दी हुई होगी वो इन एक्स पर आधारित चर होंगे, इसलिए वो आश्रित चर कहलाएंगे और वो वाई एक्सिस वाई के नाम से जाने जाएंगे। इसके बारे इन हम एक्स एक्सिस पर जो मूल्य दिए हुए होंगे उनके आधार पर आश्रित मूल्य यानी वाई को
अंकित करके रेखा चित्र पर विभिन्न बिंदु प्राप्त कर लेंगे और इन विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र उपलब्ध होगा उसको वक्र उपलब्ध होगा वह बिंदु रेखीय वक्र होगा। अब जिस वर्ष का जो भी डेटा हम मिसिंग है या जिस वर्ष की हम वाई का आश्रित मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं उस पर हम एक्स एक्सिस पर उस समय बिंदु से परपेंडिकुलर या लंब डालकर हम उस मूल्य के लिए उस मूल्य को ज्ञात कर लेंगे। अतः बाह्य गणन करने के लिए उपयुक्त विधि द्वारा वक्र की रचना कर ली जाती है, फिर उस वक्र के फ्लक्चुएशन व गति को देखकर उसे आगे बढ़ा दिया जाता है और फिर परपेंडिकुलर डालकर संभावित मूल्य का पूर्वानुमान ज्ञात कर लिया जाता है। यदि ज्ञात संबंधों के उतार चढ़ाव का यथेष्ट ध्यान रखा जाए तो कर्व फिटिंग बाय मैथमेटिकल मेथड का अनुमान अधिक शुद्ध होता है, परंतु गणितीय रीति द्वारा वक्र रचना कठिन होती है। अतः उपयुक्त जो अभी हमने विधि समझी है उसके द्वारा मुक्त हस्त रीति द्वारा वक्र बनाकर ही आंतर्गणन एवं बाह्य गणन किया जाए। अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की दूसरी रीतियां बीजगणितीय रीतियां या एल्जेब्रिक मेथड्स कहलाती है। इसमें अनेक प्रकार की रीतियां होती है जैसे प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, न्यूटन की प्रगामी अंतर्विधि, लाग्रेंज की रीति, परवलयिक वक्र विधि एवं अन्य विधियां। आज हम इन सभी विधियों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रहे का हमारा फोकस केवल प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति पर है। यह रीति बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है, यानी द्विपद प्रमेय पर आधारित है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती है। पहली शर्त यह है स्वतंत्र चर अर्थात x के पद बराबर अंतर पर बढ़ते हैं, जैसे 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930 क्रमशः। दूसरा, इन बराबर अंतर वाले यानी इक्वी डिस्टेंट पदों में से ही किसी एक एक्स मूल्य के आश्रित पद वाई का मूल्य अनुमानित करना होता है। अर्थात जैसे अभी मैंने बात करी थी 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, इनमें से सभी एक्स के आधार पर y के मूल्य दिए हुए हैं सिवाय 1920 के। तो 1920 के मूल्य ज्ञात करने के लिए हम जिस रीति की सहायता लेंगे वह रीति होगी प्रत्यक्ष द्विपद रीति। प्रत्यक्ष द्विपद रीति की प्रक्रिया बीजगणितीय प्रक्रिया की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले स्वतंत्र चर मूल्य अर्थात x के पदों को क्रमशः x0, x1, x2, x3 आदि संकेत अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद इन स्वतंत्र चरों पर आश्रित y श्रेणी के मूल्यों के लिए y0, y1, y2 आदि संकेत अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा। इन्हीं संकेत अक्षरों में से कोई एक अज्ञात होगा। दूसरी बात, प्रक्रिया में वाई के जितने मूल्य ज्ञात होते हैं उतने क्रम के लीडिंग डिफरेंसेस को शून्य माना जाता है। अर्थात
एक्स की कोई श्रेणी दी हुई है और उसमें से चार पद ज्ञात हैं, तो चौथा प्रमुखांतर यानी फोर्थ लीडिंग डिफरेंस शून्य होगा और इस प्रकार सूत्र बनेगा डेल्टा रेस एन जीरो इजिकल टू जीरो। एन वाई के ज्ञात मूल्यों की संख्या है।